गाइस गेट अनरेडी विथ मी वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब इतना अच्छा मेकअप होता है ना तो मेकअप निकालना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और यार मेरा मन होता है थोड़ी देर मैं इधर उधर ऐसे ऐसे टहलूँ मेकअप में, पर फिर मैं जब इस कमरे से बाहर निकलती हूँ तो मुझे याद आता है ओ मेरी बेटी है एक छोटी जो कि भूखी है, तो मुझे किचन में जाना है, खाना गर्म करना है, फिर ये सब निकल जाएगा, इससे अच्छा यही निकाल लेते हैं। तो एक्चुअली मकसद इसके पीछे ये है कि अभी आपको दिख ही रहा होगा, मतलब पता ही होगा अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो, कि मेरा स्किन बहुत ख़राब हो गया था और मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी। तो डॉक्टर ने मुझे कुछ प्रोडक्ट्स दिया था जिसकी वजह से मेरी स्किन अभी वापस से ठीक हो गई, अभी तो मेकअप है खैर पर ठीक हो गई थी। तो डॉक्टर ने मुझे कुछ स्टेप्स करने को कहा था टू रिमूव मेकअप, और मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि मैंने कुछ शेयर किया ही नहीं कभी। तो आई जस्ट थॉट यार लेट्स शेयर इट विथ माई सोना फैम, और बताना चाहिए मुझे कि मुझे एक्चुअली डॉक्टर ने कोई प्रोडक्ट्स नहीं दिया था कि ये यही यूज़ करना है आपको आफ्टर रिमूविंग मेकअप। एक मॉर्निंग नाइट दिया था जो कि आप इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा, और बट एक स्किन केयर का आइडिया दिया था टू रिमूव द मेकअप, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैंने मामा अर्थ का माइसलर वाटर लिया है। आप कोई भी माइसलर वाटर यूज़ कर लेते हो। अभी आजकल मैंने इसे परचेस किया था अमेजन से, मुझे पसंद आ रहा था, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आप माइसलर वाटर कोई भी यूज़ करो, डॉक्टर ने मुझे बस ये कहा था ऑयल इन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए। मैं गार्नियर वाला बहुत पसंद करती हूँ जो ऑयल इन्फ्यूज़ वाला है, पर डॉक्टर ने मुझे कहा नहीं नहीं वो नहीं चलेगा क्योंकि उसमें ऑयल है और ऑलरेडी आपको एक्ने ऑयल के वजह से आ रहा है। सो यूज़ माइसलर वाटर या फिर आप क्लेंज़र यूज़ कर सकते हो। तो मैं ना वो यूज़ करती हूँ, वादी का क्लेंज़र या आयुर का क्लेंज़र जो ऑयल इन्फ्यूज़ ना हो। पर ये वाला माइसलर वाटर मुझे इसलिए पसंद है, ये ब्रेक डाउन बहुत अच्छा करता है, पर ये जब भी मैं मेकअप निकालती हूँ ईजिली वाटर प्रूफ मेकअप को भी बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन कर देता है। एज़ यू कैन टोटली सी मेरे मस्कारास कितने आसानी से निकल रहे हैं। सो इसे मैं ना फिंगर की हेल्प से स्क्रब कर रही, थोड़ा सा ऐसे रब कर रही हूँ। इसमें ऑलरेडी सिलिकन स्पंज है, मैं उससे भी कर सकती थी, बट आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अगर आप क्लेंज़र यूज़ करोगे तो आप कैसे करोगे। अभी मैं यहाँ पे वाइप से फेस को वॉश मतलब पोंछ रही हूँ, बट आप पानी से स्प्लैश करके भी वॉश कर सकते हो। एंड आपको दिख रहा होगा कि मैं रगड़ रगड़ के कर रही हूँ, बट एक्चुअली आई एम वेरी वेरी जेंटल। ये आई डोंट नो, मतलब मैं आपको फील नहीं हो सकता कि मैं जेंटल हूँ, बट येस मैं जेंटल थी। नाउ मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप एक ऐसा फेस वॉश यूज़ करिएगा जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो, या एक ऐसा स्क्रब यूज़ करिएगा जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो। तो मैं कभी कभी क्लीन एंड क्लियर का ब्लैक हेड क्लियरिंग स्क्रब यूज़ कर लेती हूँ, या फिर मेरे पास ये बॉडी शॉप का रखा था तो मैंने कहा यार इसे भी यूज़ कर लेते हैं, तो मैं आज ये यूज़ कर रही हूँ। मेन मुद्दा है सैलिसिलिक एसिड, चाहे वो स्क्रब हो चाहे वो फेस वॉश हो। तो इससे मैं अच्छे से स्क्रब करके वॉश कर दिया मैंने। अभी मैं काया का ये टोनर ले रही हूँ, इट्स वेरी वेरी गुड, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड टोनर, एंड इसमें नियासिनामाइड है। इस वजह से ये बहुत ही अच्छे से आपके स्पॉट्स को भी रिमूव करता है, जो भी अनइवन आपके स्किन पे है वो भी हटाता है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था टोनर नहीं लगाने के लिए, मतलब ज़रूरत नहीं है ऐसा कहा था उन्होंने, पर मैंने इसे ट्राई किया, ये मुझे पसंद आया, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं मुझे पसंद आए, तो मैंने कहा यार इसे अब यूज़ करते हैं। तो मैं एक शीट से इसे पोंछ रही थी बस। अब मुझे मॉइस्चराइज़र लगाना है, मैं कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकती हूँ। मैंने डॉक्टर वाला इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि वो मुझे रात को लगाना था, और अभी मैं मेकअप रिमूव कर रही हूँ, ये शाम का वक्त है, तो मैंने पॉन्ड्स का जो है मॉइस्चराइज़र लगाया है। मुद्दा बस ये है कि आपको मॉइस्चराइज़ करना है। तो बहुत ही सिंपल सा ये रूटीन है, माइसलर वाटर, स्क्रब या फिर फेस वॉश, टोनर और मॉइस्चराइज़र, दैट्स इट। बस यही सिंपल से स्टेप्स को आपको फॉलो करना है गेट रीड ऑफ मेकअप के लिए। अगर आप चाहो ना तो फेस वॉश या स्क्रब की जगह आप क्लीन एंड क्लियर सॉरी सेटाफिल का क्लेंजर भी यूज़ कर सकते हो, वो भी मैं बहुत पसंद करती हूँ। सो अभी मेरी स्किन बिल्कुल क्लीन प्लम्प हो गई और अब मुझे एक्ने भी नहीं आएगा। सो मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ बस। तो यही थी आज की वीडियो, अगर ऐसी हेल्पफुल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू सो मच, टाटा।